हेलो क्लास क्लास, ये आपका थर्ड पीरियड है जूलॉजी का, ठीक है। आपको हमने इसके पहले जो चैप्टर स्टार्ट कराया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और प्लांट, ठीक है, ये हमने चैप्टर आपको जूलॉजी में स्टार्ट कराया था, ठीक। इसमें क्या है, हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हमने बताया था। उसके बाद हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन के बारे में बताया था, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको कंप्लीट करा दिया है इसमें, ठीक। इसके बाद हमारा जो बचता है वो हमारा बचता है क्या, लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम जो है वो क्या है, हमारा जो माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन कंप्लीट होने के बाद आपको माइक्रो प्रोपगेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक, जिसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, हम सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक। अब सूक्ष्म प्रवर्धन होता क्या है, ठीक। हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी क्या है, सब जो हमारा कायिक प्रवर्धन या जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसकी क्या है, एंशियंट जो हमारी विधि है, ठीक है, एक आधुनिक विधि होती है, ठीक। जिसमें क्या होता है, मात्र पौधे से या जो मदर प्लांट होता है, ठीक, उसमें क्या करते हैं, पौधे के थोड़े से उत्तक से हजारों की संख्या में प्लांट को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब जो मदर सेल्स होती है उसमें हम बहुत सारे टिश्यूज को अलग कर लेते हैं और उन टिश्यू को जब ग्रो कराते हैं तो बहुत सारे प्लांट हम आसानी से ग्रो करा सकते हैं, ठीक। ये हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन होता है, ठीक। यह विधि जो है उत्तक संवर्धन या टिश्यू जो कल्चर होता है उस पर आधारित विधि होती है, ठीक है। उत्तक संवर्धन पर आधारित ये एक विधि है। इस विधि में जिस पौधे का हमें प्रवर्धन करना होता है, ठीक, मतलब प्रोपेगेट करना होता है जिस पौधे को, उससे क्या करते हैं, टिश्यू का एक छोटा जो पार्ट्स होता है उसको हम हटा लेते हैं या कट कर लिया जाता है और अब इस उत्तक की असेप्टिक कंडीशन में किसी उचित संवर्धन माध्यम में इसको वृद्धि कराते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति हो कि एक जैसे जिस तरीके से एक बीज होता है उसको ग्रो कराने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें अगर अनुकूल अवस्था में है तो ही एक बीज ग्रो करता है। इसी तरीके से इसको हम जब कराते हैं तो उसको भी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको हमें रखते हैं और जब उसको हम इस कंडीशन में रखते हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और नए प्लांट में धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह उत्तक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके धीरे धीरे वृद्धि करता है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, गुच्छे बन जाते हैं और ये गुच्छे जो होते हैं इन्हीं गुच्छों को हम कहते हैं कैलस, ठीक। क्या बोलते हैं, इन गुच्छों को हम क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं, ठीक। ये गुच्छे कैलस कहलाते हैं और कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए रखा जा सकता है, मतलब डुप्लीकेशन उसका होता रहे, ठीक है, द्विगुणन होता रहे, ठीक। उसको हम लंबे समय तक उसको रखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे यह क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, वृद्धि करता है और धीरे से वो एक नए प्लांट में या एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये हमारा क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे जो हमारा आर्किड होता है, आर्किड एक प्लांट है, ठीक, आर्किड सतावर, ठीक है, आर्किड हो गया, आर्किड, ठीक, सतावर हो गया, गुलदाउदी हो गया, गुलदाउदी, ठीक। ये सब क्या है, ये इस विधि द्वारा हम इन पौधों को आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें हम उत्तक जो प्लांट होते हैं, जो मदर सेल के प्लांट होते हैं, उसमें से हम टिश्यूज को अलग कर लेते हैं, उसके बाद उसको इस ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर दे, ठीक है। जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें एक गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनती जाती है और गुच्छे की तरह जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, कैलस, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और ये कैलस क्या होते हैं, इन कैलस को हम बहुत लंबे समय तक उसको रख देते हैं कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे एक नए प्लांट में ग्रो होता चला जाए,
ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, माइक्रो प्रोपगेशन कहलाती है, ठीक, या सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से हम जानते हैं। इसके अगर हम लाभ की बात करें तो इससे अत्यधिक संख्या में हम प्लांट को उगा सकते हैं और उसमें बहुत ही कम समय भी लगता है। ठीक है, अगर हम इसके क्या है एडवांटेज की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, इसके एडवांटेज बता रहे हैं, ठीक, सूक्ष्म प्रवर्धन का एडवांटेज। ठीक, पहले पॉइंट की बात करें तो इसे हम क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक हम इसको क्या है, बहुत सारे प्लांट को हम उगा सकते हैं और कम समय में ही, ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक प्लांट इस सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा हम उगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इससे जो उत्पन्न प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट इससे निकलेंगे वो क्या होंगे, जो डिजीज लेस होते हैं, ठीक है, मतलब रोगाणु मुक्त, कोई भी इसमें डिजीज नहीं होती है। ये एक सबसे अच्छा क्या है, लाभ होता है माइक्रो प्रोपेगेशन का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी क्या होते हैं आनुवंशिक, सभी पौधे इसके क्या होते हैं, एक ही आनुवंशिक रचना में होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक की आप पता है, ठीक है, क्या होती है, ठीक, तो जितने इस प्रोपेगेशन से जितने भी प्लांट उगते हैं वो क्या होते हैं, एक ही आनुवंशिक रचना के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन हमारा इस तरीके से होता है, आपको हमने बता दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक, अब हम कुछ जैसे हम क्लोनिंग की बात करते हैं, ठीक है, क्लोन होता क्या है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इसमें हम आपको डिस्कस करा दें। क्लोन मतलब हुई दूसरी कॉपी, जिसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो कायिक अंगों से उगाए जो पौधे होते हैं आनुवंशिक रूप से मात्र कोशिकाओं के ही क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। ठीक, जो कायिक जनन हमने आपको बताया, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होते हैं, जो प्लांट उगते हैं तो जो मदर सेल होती है, मतलब जो मात्र कोशिका या मात्र पौधे होते हैं, सेम उसी के हिसाब से होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम कटिंग करते हैं, है ना, कटिंग में क्या होता है, हम किसी भी जैसे गुलाब की टहनी को हमने काट लिया, स्टेम को उसको कट कर लिया और उसके बाद उसको हमने क्या किया, किसी दूसरे स्थान पर उसको मिट्टी में गाड़ दिया, तो कुछ समय बाद क्या है, जैसे हमारा पहला प्लांट था उसी तरीके से ये सेम प्लांट उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो हमारी क्लोनिंग कहलाती है, क्लोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक, तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। एपोमिक्सिस क्या होती है, नेक्स्ट हम बात करें एपोमिक्सिस या असंग जनन होता है, असंग जनन। ठीक, असंग जनन या एपोमिक्सिस होती क्या है, ठीक, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में फल तथा बीज का निर्माण। ठीक, लैंगिक जनन जिन पौधों में नहीं होता है, ठीक, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन क्या होता है, एब्सेंट होता है, उस समय फल और बीज का निर्माण जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक, ये असंग जनन है। ठीक, अब इससे जो इससे भ्रूण जायगोट से नहीं बल्कि बीजांड की किसी द्विगणित कोशिका से विकसित होता है। ठीक है, इसमें जो भ्रूण होता है जिसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो किसी भी जायगोट से निर्मित नहीं होता है, किसी अन्य कोशिका से निर्मित होता है, वो एपोमिक्सिस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एपोमिक्सिस के बारे में है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो शायद आगे आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बेसिक में बताए, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग एकदम क्लेरिफाई कर लीजिए, अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए, ताकि जो भी आगे बताया जा रहा है वो अच्छे से आपको आता जाए। ठीक, और आप लोग डेली वर्क भेजा करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा जैसे इससे रिलेटेड है। ठीक, अगर हम पहले बात करें तो जनन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझाइए। ठीक, या जो वर्धी जनन होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है स्पष्ट करिए। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो इससे मतलब सूक्ष्म प्रवर्धन से क्या क्या लाभ होते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या है समझाइए, ठीक। नेक्स्ट एपोमिक्सिस क्या है बताइए, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, तो कोई भी समस्या हो तो हमसे बताइए, वरना अच्छे से आप लोग करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।